द्वारहाट नगर में निकाली गई महिलाओं द्वारा एक रैली, जिसमें हाथों में पोस्टर लेकर महिलाएं एक मानव श्रृंखला बनाकर आगे बढ़ती रहीं और अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अंकिता सिर्फ एक लड़की नहीं, वो उत्तराखंड की बेटी है। प्रदेश सरकार होश में आओ, अंकिता के कातिलों को फांसी दिलाओ आदि नारे लगाते हुए घटगाड़ तिराहे से मानव श्रृंखला के रूप में द्वारहाट मुख्य चौक की ओर बढ़ी। इनके साथ द्वारहाट की प्रबुद्ध जनता, युवा वर्ग, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख दीपक किरौली, जिला पंचायत सदस्य पंकज कुमार, ग्राम प्रधान धनियारी, प्रकाश अधिकारी के साथ कई जनप्रतिनिधि साथ रहे। युवाओं का जोश उबाल मारता रहा। गगनभेदी नारों से ये पूरा द्वारहाट गूंज उठा। सभी महिलाएं एक स्वर में अंकिता के कातिलों को सजा देने की बात कर रहे थे। ये महिलाएं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, सभी घरेलू महिलाएं हैं और आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। मुख्य चौक पर आकर सभी महिलाओं ने अंकिता की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर महिलाओं ने कहा कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो हम यहाँ से उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। साथ ही इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ये हम अंकिता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सब महिलाएं और एकजुट होकर इसका आंदोलन करना चाह रही हैं और अंकिता को न्याय हम दिला के रहेंगे, उसके हथियारों को हम फांसी दिला के रहेंगे और जब तक फांसी हथियारों को नहीं मिलेगी हम आंदोलन ही चलता रहेगा। आज हमने इस द्वारहाट के मुख्य चौराहे पे नीचे घटगाड़ से लेके यहाँ तक हमने महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ हमने कैंडल मार्च का ये आयोजन किया था। ये आयोजन इसलिए कर रखा है क्योंकि जो हमारी इस उत्तराखंड की जो बेटी है ये अंकिता भंडारी, उसके निर्मम हत्या जो कर दी है इन 3 दोषियों ने, उनके उसमें विरोध में हमने यहाँ पे कैंडल मार्च किया है। और अगर सरकार और पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन अगर नहीं जागा तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करने की, हम पूरे उत्तराखंड मुख्यमंत्री तक हम इसको ये चेताना चाहते हैं कि अगर उनको फांसी नहीं दी गई तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करने की हम पूरे सरकार को चेताना चाहते हैं।